दोस्तों, अगर आपने ये पहले हमारी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमारे ट्रैक्टर में पहले बैटरी नहीं थी और अब इसमें बैटरी रखवाई है। तो जो बैटरी रखवाने से पहले हमने इसके पिछले वाले जो इंडिकेटर हैं ये हमने लगवा लिए थे बाहर मिस्त्री से, और उस टाइम पर कनेक्शन पूरे ठीक से नहीं हो पाए थे। इसने मिस्त्री ने पीछे से केवल तीन तार के दो तार यहाँ से निकाले हुए थे। एक ये लाल वाला वायर मैंने डाला बाद में, और अगले वाली लाइट लगा कर अपने आप कनेक्शन कर लिए हैं। लेकिन अभी इंडिकेटर में एक परेशानी हो रही है कि जब इंडिकेटर ऑन करते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये फ्लैशर मैंने अभी कल लाकर इसमें ट्रैक्टर में लगाया है, तो जब ये स्विच ऑन करते हैं तभी आवाज़ करता है। और इंडिकेटर अभी ये वाला जो स्विच है इंडिकेटर का, ये भी ख़राब है पहले वाला, और ये वाला भी ख़राब है। मुझे लगा था ये इंडिकेटर वाला ठीक है, इसलिए मैं दुकान से लेके नहीं आया, ये लेकर आया हूँ। ये कल चेंज कर दूँगा जब इंडिकेटर लेकर आऊँगा, ये इंडिकेटर वाला स्विच, तो उसके साथ इसे भी लगा दूँगा। यहाँ से इसका अर्थ दे रखा, अर्थ का मुझे पॉइंट नहीं मिला दूसरा कोई। तो इंडिकेटर में प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब देखिए यहाँ से मैंने ये हज़ार्ड लाइट को ऑन कर दिया है, यहाँ से ये देखिए सभी इंडिकेटर, तीनों साइड के इंडिकेटर बिल्कुल सही चल रहे हैं। लेकिन इस वाले में एक प्रॉब्लम है कि इसके साथ ये वाली लाइट भी ब्लिंक होती है, केवल ये इंडिकेटर खाली नहीं चल पाता। और अगर मैं पार्किंग लाइट ऑन कर देता हूँ तो देखिए ये दोनों लाइट एक साथ जलती हैं, एक जलती है एक बुझती है, एक जलती है एक बुझती है। और हज़ार लाइट बंद करने के बाद पार्किंग लाइट ऑन करता हूँ और उसके बाद में हज़ार लाइट ऑन करता हूँ तो क्या होता है, देखिए तब भी यही परेशानी है। पहले ऐसा हो रहा था कि इंडिकेटर जल ही नहीं रहा था, केवल हज़ार लाइट जल बुझ रही थी, ये पार्किंग लाइट केवल जल बुझ रही थी। तो अगर आपको पता हो कि ये प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसा क्यों कर रही है लाइट, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसका जो हॉर्न है, दोनों हॉर्न ख़राब थे, दो हॉर्न इसमें लगे हुए थे, तो मैंने एक हॉर्न निकाल दिया था और एक ये चालू कर दिया था। पहले मुझे कनेक्शन समझ में नहीं आ रहे थे कि कैसे कनेक्शन करने हैं, लेकिन फिर बाद में समझ में आई अर्थिंग की प्रॉब्लम थी, तो फिर वो हॉर्न चालू हो गया। और इसमें देखिए अभी मीटर की लाइट भी लगानी है, और ये वाली इंडिकेटर की लाइट नहीं है, ये इंडिकेटर की लाइट इसमें लगानी है, और हजार लाइट ये वाली। तो मैं कल आपको स्विच इसका चेंज करने के बाद, और ये वाला स्विच चेंज करने के बाद कल मैं आपको मिलता हूँ। हो सकता है अगर ये देखते हैं, ये अगर वहाँ पर शॉप पर मिल गया, छोटी शॉप है, तो इसे भी ले आएंगे इग्निशन स्विच को, ठीक है, तो कल मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये इग्निशन स्विच ले आया हूँ, मिंडा का इग्निशन स्विच है जो 180 रुपये में मुझे पड़ा है, और एक लेकर आया हूँ, ये इंडिकेटर वाला हमारा ख़राब था, इंडिकेटर का एक स्विच ले आया हूँ, और ये वाला तो हमारा कल आपने मैंने बता दिया था आपको, ये वाला पहले वाला ख़राब था मुझे मालूम नहीं था, तो ये भी स्विच आ गया। और इसके लिए जो मीटर वाला हमारा मीटर का बल्ब बेकार हो गया, वो चेंज हो जाएगा, ये वाला ये उसमें लग जाएगा, और इसका पता नहीं मुझे कैसे लगेगा, अभी इसमें देखता हूँ ये पेज कैसे कैसे जाएंगे, ये इंडिकेटर के इंडिकेशन के लिए जो लाइट होती है, चलो देखते हैं इसे लगाने के बाद कैसा दिखता। तो ये खड़ा हुआ हमारा ट्रैक्टर यहाँ पर देखिए स्विच वगैरह सब रख लिए हैं, और ये जो स्विच है पहले हम ये वाले चेंज करेंगे हज़ार्ड लाइट वाला, और फिर ये जो ये वाला जो स्विच है इसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हमारा जो ये स्विच है इग्निशन वाला और ये वाला नया स्विच डल गया है, और ये वाला भी इंडिकेटर का जो स्विच है ये नया डल गया। अब मैं आपको एक बार चालू करके दिखाता हूँ, इसकी नई वाली चाबी किधर गई, ये रही, ये मिंडा का स्विच था 180 रुपये का, और ये वाला जो था ये 60 का प्राइस था इसका, और ये वाला 50 रुपये का। और ये जो बल्ब है ये लग नहीं पा रहा है, ये दूसरी तरह का बल्ब है, मुझे इससे के कनेक्शन नहीं आते, और ये वाला बल्ब भी इस तरीके का आना था, जैसा देखिए यहाँ पर ये दो खुंटियाँ दिख रही हैं,
इस तरह का बल्ब आना था, लेकिन दुकान वाले ने मुझे ये वाला दे दिया। अब ये वापस करके आना पड़ेगा। ठीक है, इसे वापस कर देंगे। और देखिए चाबी, पहले इसके स्विच में बस ये प्रॉब्लम थी कि चाबी अपने आप निकल जाया करती थी, लेकिन अब नहीं निकलेगी। ये वाला इसका पुराना वाला स्विच है। इसमें वो लगा हुआ है, आवाज़ करता है। तो एक बार देखिए, इंडिकेटर दिखाता हूँ। बंद कर दिया, अभी देख करते हैं। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये लाइट क्यों नहीं जल पा रही है, इस तरह के इंडिकेटर नहीं जल पा रहा इसका। पीछे से आपको दिखाता हूँ, और सभी इंडिकेटर सही हैं, लेकिन इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब करते हैं इंडिकेटर ऑफ, और इंडिकेटर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इस बटन को एक बार ऑन करना है और फोर इंडिकेटर जो हमारे चालू हो जाएंगे। देखिए, ट्रैक्टर को ख़रीदे हुए बहुत साल हो गए हैं, लगभग 12-13 साल तो हमारे घर पर ही हो गए हैं, और पुराना मॉडल है। इसमें पहली बार अब इस बार लाइट लगी है। बहुत साल से इंतज़ार कर रहे थे कभी इसकी लाइट चेंज कराएंगे, तो इस बार अब हो ही गया इस दिवाली पर। और इसके टायर देखिए, बिल्कुल टायर बिल्कुल घिसे पड़े हैं टायर ट्रैक्टर के। देखो दोनों ये जो इसकी लाइनें हैं बिल्कुल मिली पड़ी हैं, तो ट्रैक्टर ठीक से काम नहीं कर पाता खेत में। तो होली के आसपास इसमें टायर भी डल सकते हैं, कोशिश करेंगे डलवाने की। और खेत में ये अभी भी बढ़िया काम करता है, इतने टायर घिसे होने के बाद भी टायर डल जाएंगे तो फिर और बढ़िया काम करेगा। अच्छी गहराई जुताई की है इस बार भी, अभी हमने सरसों बोई थी खेत में। तो अगर आपको ट्रैक्टर की इसके और भी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियो और आपको कुछ जानकारी चाहिए किसी स्विच के बारे में जो मुझे पता होगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा उसके ऊपर वीडियो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जल्दी वापस लौटेंगे किसी और वीडियो में ट्रैक्टर के साथ। आई सर 242।